लो फिर तो हमारा भाई चैनल दिस इज सुभाष। इसे दिखते हैं कल मार्केट काउंट डाउन कर सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज थोड़ा सा सरप्राइज मार्केट था, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, उसके बाद इमीडिएटली सस्टेन नहीं किया। हम लोगों ने एक पॉइंट बार बार डिस्कशन किया है कि नहीं, जब भी 600 के ऊपर या 46,000 के ऊपर, 46,100 के ऊपर जब भी 5-10 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करता, ट्रेड नहीं करता, तब तक हम लोग एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। ये एरिया हम लोगों के लिए वोलेटिलिटी एरिया था, इसके अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले थे। एक यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो चुका है 46,000 के नीचे, अगर देखेंगे इसके नीचे हम लोग प्लान किए थे सेल करने के लिए, एग्जैक्टली इसके नीचे आया, फिर वोलेटिलिटी क्रिएट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट किया, फिर समय अराउंड मिडिल पे क्लोज दिया है। 45,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है एंड 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी बायर्स वेट करेंगे 46,000 के ऊपर बाय करेंगे एंड सेलर जब तक 46,000 ब्रेक नहीं करता तब तक अपना पोजीशन डिफेंड करने वाले हैं। तो आपको ट्रेड कहाँ पे मिलने वाला है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग एरिया आपके अंदर मार्केट है, क्योंकि अगर आप लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखोगे कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, जब भी बहुत बड़ा कैंडल बनता है उसके बाद थोड़ा सा इनसाइड कैंडल बनने का चांसेस आर वेरी हाई और क्लोजिंग भी थोड़ा सा डाइसी क्लोजिंग दिया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल 4:30 को एप्लीकेशन के अंदर, ट्रेडर्स क्लब के अंदर जितने लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर पेड में देख रहे हैं, कल 4:30 को आ जाना, क्योंकि कल साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोगों ने जो होमवर्क किया था उसका भी हम लोग रिजल्ट देखने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि लोग गलती ये करते हैं। इमेजिन करो यहां पर खुला, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव था, क्योंकि 46,000 के आसपास अगर यहां पर कोई सपोर्ट बना के ब्रेक करता है फिर इस एरिया के आसपास हम लोग बाय कर सकते थे, लेकिन मार्केट नीचे आया, 2-4 कैंडल वेट किया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर वेट किया, फिर ब्रेकडाउन किया, दैट मीन्स कंटिन्यूसली मार्केट नेगेटिव बना रहा। 900 के आसपास एक सपोर्ट बना, फिर 900 एक रेजिस्टेंस की तरह अभी काम कर रहा है। एक ट्रेड कल मिलने वाला है, लेकिन बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करके फायदा नहीं है, जब तक 46,000 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक एग्रेसिव बाय भी नहीं कर सकते। और ऑलमोस्ट 45,830-40 के आसपास कहीं क्लोज दिया है, अगर ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट के ऊपर बाय भी करेंगे तो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। तो कल एक ट्रेड मिल सकता है, एक है 800 या फिर 850 इस लेवल के आसपास कहीं पे खुले, फिर 900 अगर ब्रेक करेगा तो एक हम लोग को 46,000 तक एक ट्रेड मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग 100 रुपये लेके निकल जाएंगे एंड वेट करेंगे क्लोजिंग होने के लिए। अगर क्लोजिंग 46,100 इस लेवल के आसपास कहीं करता है फिर हम लोग एक्सपायरी डे पे प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी बन जाएगा, एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड कर रहा होगा, फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर कल गलती से फिर से 48,700 या फिर 680 ये सारे लेवल फिर से ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और मेक श्योर करना बाइंग के लिए थोड़ा क्वांटिटी कम रखना 900 से 46,000, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, और जब ये नीचे भी आएगा तो मेक श्योर कि नहीं क्वांटिटी कम ही रखना, क्योंकि कल थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, जब भी बड़ा कैंडल बना देता है राइट, उसके बाद बायर सेलर दोनों कन्फ्यूज रहते हैं, इतना बड़ा कैंडल बना दिया और क्लोजिंग यहाँ पे है तो दैट मीन जितने लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस समय अराउंड 46,000 के ऊपर होगा या इस कैंडल के ऊपर होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता मोमेंटम नहीं आएगा, और जितने लोग आज बाय किए हैं उन लोग 700 जब तक ब्रेक नहीं करेगा अपना पोजीशन नहीं छोड़ने वाले, दैट मीन्स मिडिल पे कहीं पे क्लोज दिया है तो कन्फ्यूजन एरिया है, ये एरिया वॉलेटिलिटी एरिया है, बस एक प्राइस एक्शन बन सकता है 48,900 से 46,000, ये 100 रुपये अगर मिल गया ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा कल बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड प्लान मत करना, अननेसेसरी ऐसे लेट होगा। कल भी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किए थे, मार्केट अगर ये एरिया में रहता है हमको ट्रेड नहीं करना, ईदर इट विल गोइंग टू वेट और ब्रेकआउट करेगा तभी हम लोग बाय करेंगे, या फिर जब ये ब्रेकडाउन करेगा तभी प्लान करेंगे, बीच में ट्रेड मत लेना अननेसेसरी फंसोगे। और बीच में 3-4 कैंडल बना रहा एंड उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया फिर वोलेटिलिटी एरिया पे क्लोज हुआ है, तो अभी नो ट्रेडिंग एरिया पे है, तो बेटर है वेट करेंगे, एक ट्रेड 48,900 से 46,000 ये मिल सकता है, या फिर 700 जब ब्रेक करेगा उसके बीच में और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वी गोइंग टू वेट एंड वॉच फॉर एक्सपायरी, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। निफ्टी अगर देखेंगे, निफ्टी गैप अप खुला, इस एरिया में ऐसे भी प्लान नहीं किए थे, ब्रेकडाउन किया, एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर इसके अंदर आना चाहिए था लेकिन इसके अंदर आ नहीं रहा, इसके पीछे रीजन हर एक सेलिंग में एक बाइंग हैपनिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर हर एक 50-30 पॉइंट पे एक्टिवेट हो रहे हैं, और बाइंग के लिए एक अच्छा प्लेस अभी मिल चुका है। अगर हम लोग देखेंगे 19,700, अगर 19,700 फिर से क्रॉस करता है हो सकता है 19,740, 750 या 760 के आसपास क्लोज करें। कल का क्लोजिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कल क्लोजिंग कहाँ पे होता है वो मैटर करेगा, मार्केट किस साइड मूव करेगा। अगर 46,000 के ऊपर मार्केट कहीं क्लोज कर रहा है कल के दिन तो अभी भी मार्केट बुलिश है, और कल भी अगर नेगेटिव जा रहा है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में एवरी राइज पे सेलिंग का प्लान करेंगे। अभी डीप पे हम लोग थोड़ा सा बाइंग का सिनेरियो देख रहे थे तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, प्राइस एक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी करंट लेवल पे 19,640, 630 इसके नीचे सेल करना प्रीफर करेंगे,
लेकिन क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि बाइंग अगर हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है समय इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, तो कल के दिन क्वांटिटी कम रखना, लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं क्या ये 19,767.40 के आसपास कहीं क्लोज कर रहा है या फिर समय अराउंड 700, 740, 780 इस तरीके का लेवल, या फिर मार्केट 640 के नीचे आ रहा है, इसके नीचे आएगा कम क्वांटिटी, तो दैट मीन्स कल थोड़ा सा मैं एग्रेसिव नहीं रहूंगा। हो सकता है कि नहीं एक सेलिंग का प्रेशर आए, इसके लिए हम लोग 19,640 के नीचे सेलिंग प्लान करेंगे एंड मैग निफ्टी हम लोग 45,700 के आसपास प्लान करेंगे कम क्वांटिटी के अंदर। अगर फ्लो में निकलता है तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितने लोगों ने गेल का चार्ट एनालिसिस देखा था वीकली चार्ट्स के अंदर। बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम हम लोगों ने प्लान किया था, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम में आज ये ऑलरेडी निकल चुका है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि नहीं ओनली इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, ऑप्शन बाय करेंगे या सेल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, स्टॉक्स के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ये आप लोगों को पता है। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है मैरिको, अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसके अंदर, अपने आप को होल्ड कर रहा है और 3-4 दिन से सिमिलर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, 541-542 के ऊपर हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है आईडियंट, मुझे लग रहा है इसके अंदर अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर एक मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, ये इसको रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है और कल एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नहीं इसके ऊपर कहीं पे क्लोज करें 2520 के आसपास, तो एक अच्छे लेवल पे ये दिख रहा है 2467, 2468, 2469 इस तरीके का हम लोग प्लान कर सकते हैं, 7-8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक थोड़ा सा वीक आपको दिख रहा होगा, प्राइस एक्शन हायर हाई बनते जा रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी अगर देखेंगे कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये अगर कंटिन्यू करेगा तो प्रीवियस स्विंग के आसपास आ सकता है 470 लेवल तक, तो एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 478 के आसपास हम लोग इसको प्लान करेंगे, 78-79 ये सारे लेवल पे 2-3 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। कल के दिन थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेड प्लान मत करना, हो सकता है कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है नीचे की तरफ, ना ब्रेकडाउन करे ऊपर की तरफ नहीं मूव करे, तो इसके बीच में अगर रहता है तो आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरीके से साइडवेज जाता है हायर लेवल पे, आने वाले टाइम में मोमेंटम रहता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था, सेलिंग का प्रेशर फास्ट नहीं था, स्लो एंड स्टडी था, जब भी ब्रेकआउट किया बड़ा मोमेंटम दिया, अगर फिर से उस तरीके का मोमेंटम आएगा तो पता चल जाएगा, या फिर कल के दिन ही ये ब्रेकडाउन कर देगा, तो दोनों सिनेरियो हो सकता है, जस्ट हैव टू वेट एंड उसके बाद फिर कल के बाद हम लोग फिर एक्सपायरी का प्लान करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक है सर, फिर सभी इतना ही, थैंक यू।